कंसीडर ऑल न्यू बजाज पल्सर NS125 BS6 2022 मॉडल। आज आपको मैक्सिमम 5 ऐसे रीजन बताने वाले हैं जिसके लिए 2022 में आप सभी की ऑल न्यू बजाज पल्सर NS125 को लेना चाहिए। क्यों इसके सामने टीवी सेडर फेल है, क्यों होंडा एसपी फेल है, क्यों हीरो ग्लैमर एक्सट्रैक मॉडल 2022 में फेल है, पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको हम इस एकमात्र वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप 125 की बहुत ही शानदार बाइक लेने सोच रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप के आप एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल पर अगर आप लोग हमारे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे जो आपको लाल कलर बटन दिख रहा है उस पर कैसे भी ठोक दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है, इस गाड़ी की लुक रहने वाली है। आप इस गाड़ी की ओवरऑल लुक चेकआउट कर सकते हैं, एक बहुत ही बेहतर आपको इस गाड़ी में लुक देखने को मिल जाता है। कहीं से भी अगर आप इस गाड़ी देखेंगे, आप फ्रंट से देखिए, साइड से देखिए, बैक से देखिए, कहीं से भी देख लीजिए, इस गाड़ी में आपको लुक वाइज कहीं से भी कोई शिकायत महसूस बिल्कुल नहीं होने वाली है। एक बहुत ही शानदार आपको लुक देखने को मिल जाता है। कंपनी 4 कलर कॉम्बिनेशन में डील करती है, चारों कलर एक से बढ़ के एक रहते हैं। आपको हम वीडियो में चारों कलर भी चेकआउट करा देंगे, तो चारों कलर इस गाड़ी के एक से बढ़ के एक रहते हैं, तो आपको इस गाड़ी में लुक और कलर कॉम्बिनेशन वाइज कहीं से भी कोई शिकायत महसूस नहीं होगी। एक बहुत ही शानदार लुक प्रोवाइड करती है। और इसके सामने जो दूसरी बाइक है वो लुक वाइज बिल्कुल फेल रहने वाली है। ओवरऑल आपको इस गाड़ी की जो लुक है, जो इस गाड़ी की स्प्लिट सीट वाली डिजाइनिंग है, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी से चला जाता है। फ्रंट से अगर आप इस गाड़ी की लुक देंगे तो बिल्कुल आपको एक बहुत ही शानदार लुक रहेगा, तो लुक वाइज वो कहीं से भी कोई शिकायत महसूस बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो अगर आपको 125 में आपके लुक फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है और आपको बजाज पल्सर NS125 पसंद है, तो बिल्कुल आप लोग इस गाड़ी को इसके लुक की वजह से बिल्कुल इसको बाइक कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। दूसरे पॉइंट की अगर हम इस गाड़ी के बारे में बात कर लें तो इस गाड़ी का बैक का टेल लैम्प, एक बहुत ही शानदार टेल लैम्प कंपनी आपको बैक एंड पर प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको नाइट विजन में बहुत ही बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस गाड़ी का जो टेल लैम्प है वो भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ओवरऑल रिस्पॉन्स निकल के आता है। तो जो इस गाड़ी का बैक एंड से जो रिस्पॉन्स है टेल लैम्प का, वो बहुत ही बेहतर निकल के आता है। और कंपनी जो बजाज पल्सर का साइन रहता है उसको बिल्कुल कंटिन्यू किया हुआ है, तो एक बहुत ही बेहतरीन बात रहती है। उसके अलावा इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करें। इस गाड़ी का इंजन, एक आपको इस गाड़ी में 124cc का BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाता है। 12 PS की पावर देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही आपको लगभग 11.8 Nm के आसपास का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो पावर फिगर्स इस गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। आपको जो इस गाड़ी में पावर और पिकअप रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, आज की डेट में 125cc में दूसरी बाइक इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। ना ही आपकी TVS रेडर कर पाएगी, ना ही आपकी होंडा की SP कर पाएगी, ना ही हीरो की ग्लैमर कर पाएगी। तो इस गाड़ी अगर पावर और पिकअप के लिए आपको जाना है तो बिल्कुल आपके लिए बजाज पल्सर जरूर बनी हुई है, कि ओवरऑल आपको इस गाड़ी में जो पावर फिगर्स, जो इस गाड़ी का पिकअप देखने को मिल जाएगा, वो आपको दूसरी बाइकें नहीं ऑफर कर पाएंगी इस सेगमेंट की। तो अगर आपके लिए पिकअप रहने वाला है, आपके लिए हाईवे राइडिंग रहने वाली है, तो बिल्कुल आप इस गाड़ी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, चौथे पॉइंट की बात करते हैं। आपको हम एक चीज बता दें, आपको इसमें किक और सेल्फ दोनों देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे किक भी आपको और सेल्फ भी है। तो ऐसा टीवी सेटर वाला है, कन्फ्यूजन मत रखिएगा आप लोग अपने दिमाग में कि आपको यहाँ पे किक देखने को नहीं मिलता है। किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। इस गाड़ी की ब्रेकिंग, फ्रंट में आपको 240 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है और बैक में आपको 130 mm की ड्रम ब्रेकिंग देखने को मिल जाता है। लेकिन इस गाड़ी का जो बैक का टायर है, कंपनी ने उसको वाइडर बनाया हुआ है, 100/90 का टायर है। उसके साथ इस गाड़ी की जो कर्वेट रहती है लगभग 150 kg के आसपास की रहती है, जिसकी मर्ज आपको रोड पे स्टेबिलिटी बहुत बेहतर मिलती है। उसके साथ ही ब्रेकिंग में आपको बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिलने वाला है, कि ओवरऑल जो आपको इस गाड़ी पर रोड पर स्टेबिलिटी पकड़ रहेगी वो बहुत ही बेहतर निकल के आती है इस गाड़ी में। तो कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आने वाली इस गाड़ी की ब्रेकिंग और रोड पर प्रेजेंस वाइज। आपको बहुत ही शानदार रोड पर प्रेजेंस भी देखने को मिलेगा, उसके साथ ही ब्रेकिंग भी बहुत ही बेहतर है और रोड पर गाड़ी ग्रिप भी बनाएगी, क्योंकि इस गाड़ी का वेट है, तो वेट की वजह से वो आपको गाड़ी पे रोड पे स्टेबिलिटी और ग्रिपिंग देखने को मिलेगी, वो बहुत ही शानदार मिलेगी। और इस सेगमेंट की जो दूसरी बाइक है वो आपको ये ऑफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हाईवे राइडिंग करनी है, आपको हाईवे पे प्रेफरेंस होता है, हाईवे पे आप ज़्यादा जाते हैं, तो बिल्कुल 125 की NS को आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी में आपको माइलेज भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, लगभग 50 के आसपास का माइलेज देखने को मिलेगा। उसके साथ रोड पे स्टेबिलिटी और ग्रिप इसके सेगमेंट की दूसरी बाइकों से ये गाड़ी बेहतर निकाल के देती है, जिसके लिए आप 2022 में इस गाड़ी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की रिमूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। अगर आप सभी को किसी को भी बाइक बजाज का इंजन पसंद है, तो बिल्कुल बजाज का आपको इसमें बहुत ही शानदार इंजन देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आप 2022 में इस गाड़ी से जरूर मूव करिएगा। कि ओवरऑल आपको इसमें बजाज का इंजन देखने को मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। उसका भी जो पिकअप है, जो थ्रॉटल है, जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। उसके अलावा इनकी सर्विसिंग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, तो कहीं भी आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होने वाली कि बजाज आपको सर्विसिंग देखने को नहीं मिलेगा। और आप सभी को पता है 125cc वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, तो कोई भी आपको ऐसी दिक्कत परेशानी इस गाड़ी से महसूस नहीं होगी। और पल्सर का आप जान रहे हैं, पहले से मार्केट रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतर बना हुआ है और ओवरऑल इस गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही शानदार निकल के आता है, जिसके लिए आप 2022 में इस बाइक को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको हम फिर से बता देते हैं, इस गाड़ी की लुक दे सकते हैं, इस गाड़ी में कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जो कि इसका पहला और बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी से चला जाता है।
दूसरा इस गाड़ी का हेडलैम्प सेटअप, इस गाड़ी के साइड्स के इंडिकेटर और इस गाड़ी का टेल लैम्प, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। भले मानता हूँ कि आपको इसमें हाइलोजन बल्ब कंपनी ऑफर करती है, लेकिन जो नाइट विजन में इस गाड़ी का थ्रो मिलता है, जो इस गाड़ी का नाइट विजन रिस्पॉन्स मिलता है, वो बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी के पावर फिगर्स और पिकअप वाइज गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। पावर फिगर्स और पिकअप वाइज कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है। फ्रंट में 240 mm की डिस्क, बैक में आपको 130 mm की ड्रम ब्रेकिंग देखने को मिलती है, लेकिन जो इसका बैक का टायर है वो कंपनी ने थोड़ा मोटा प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी मदद आपको रोड पे सेबिटो ग्रिप बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी का ओवरऑल जो वेट रहता है, लगभग 150 kg के आसपास गाड़ी वेट रहता है, तो इसकी मदद आपको रोड पे स्टेबिलिटी ग्रिप बहुत ही बेहतर देखने को मिलती है। अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके लिए इस गाड़ी का वेट ज़्यादा होने की वजह से आपको रोड पे पकड़ मिलती है। अगर आप इस गाड़ी को 70-80 भी चलाएंगे तो भी आपको रोड पे सेबिटो ग्रिप ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगी इसके सेगमेंट की दूसरी बाइकों के कंपटीशन में। उसके अलावा इस गाड़ी का जो ओवरऑल आपको प्रेजेंस नहीं मिला, जो इस गाड़ी का मीटर कॉन्सोल है, इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस है, इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट है, वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी से चला जाता है। तो अगर आप 2022 में एक शानदार स्पोर्ट्स वाली बाइक ढूंढे जिसमें आपको स्पोर्ट लुकिंग नहीं मिल रहा, ठीक ठाक माइलेज नहीं मिल रहा, कंफर्टेबल राइडिंग में आप कर सके, कि फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक, बैक में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सपोर्ट देखने मिल जाता है, जो कि कई हद तक कंफर्टेबल लाइट निकाल के देने में बहुत ही सक्सेसफुल है और आप इजीली और बेहतरीन कंफर्टेबल लाइट इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक डिटेल वीडियो आप सभी की ऑल न्यू बजाज पल्सर NS125 BS6 2022 मॉडल के ऊपर। तो आपको लगभग हमने 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स बता दिए, 6 पॉइंट्स जिसके लिए आप 2022 में इस बाइक को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 2022 में एक शानदार बाइक लेने सोच रहे हैं तो बिल्कुल NS125 को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, एक बहुत ही शानदार बाइक अपने सेगमेंट की, और ओवरऑल इस गाड़ी का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक जो करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोजाना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक और स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखें। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, आप सभी को मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आप हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं फास्ट रिप्लाई क्विक रिस्पॉन्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके पास पल्सर NS125 है तो कैसा कुछ आपको इस गाड़ी से रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ आपको इस गाड़ी से दिक्कत परेशानी आ रही है, कमेंट्स में आप लोग हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।